एवरीवन, कुक फास्ट एंड स्लो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके बिल्कुल डिफरेंट सा मिल्क शेक की रेसिपी पान मिल्क से। आइए देखते हैं इसको हम किस तरह से बनाते हैं। ये लिए मैंने दो मीठा पान, पान की दुकान में बड़े ही आसानी से मिल जाएगा। इसको वॉश कर लिया है और हाथ से इस तरह से रख ली, तोड़ दीजिए। ये देखिए जिस तरह से मैं तोड़ रही हूँ। और एक छोटा मिक्सर ग्राइंडर ले लीजिए, उसमें डाल दीजिए आपके पान के पत्ते। इसमें डालेंगे 5 से 6 काजू, ये देखिए जो ड्राई फ्रूट्स वाले काजू होते हैं वही है। और 2 डालेंगे इसमें इलायची और 4 से 5 दाने काली मिर्च के, थोड़े से सूखे हुए गुलाब की पंखुड़ियाँ, ये देखिए बिल्कुल थोड़ी सी। और इसमें डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट, सूखा जो नारियल का बुरादा होता है ना, बस वही है ये। तो 2 चम्मच भर के इसमें डाल देंगे हम डेसिकेटेड कोकोनट। और 1 छोटी चम्मच डालेंगे सौंफ की, हरी वाली सौंफ है ये, बिल्कुल पान का स्वाद आएगा इसके अंदर। अब इसमें हम मिलाएंगे गुलकंद। ये गुलकंद पान वालों के पास भी मिल जाता है और मार्केट में भी बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो ये गुलकंद में इसमें डालेंगे करीबन 2 चम्मच भर के, ये देखिए एकदम भर के आप अच्छे से इसमें डाल दीजिए। ये देखिए इसमें डाल देंगे और इसमें ये देखिए मैंने डाल दिया 2 चम्मच इसमें गुलकंद। और मैं इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करके इनको ग्राइंड करूंगी और इसमें डाल दूंगी थोड़े से पिस्ता, 7-8 पीस पिस्ता डाल दिया। और देखिए 1 चम्मच इसमें डाल देंगे हम दूध और इसको ग्राइंड करके फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। आइए देखते हैं मिक्सचरन को। ये देखिए परफेक्टली हमारा ये मिक्सचर बिल्कुल पीस के तैयार, आप देख सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ एकदम दरदरा सा। ये देखिए इसमें है 1 चम्मच पान वाला मिक्सचर। अब इसमें मिला देंगे 1 ग्लास ठंडा दूध, और आइस भी डाल सकते हैं आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग है, और आप चीनी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मैंने 2 छोटे चम्मच इसमें चीनी डाला है। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, तो इसको मिक्सी को बंद करके मैं इसको ग्राइंड कर लूंगी। ये देखिए ये ग्राइंड होके बिल्कुल तैयार है। तो आपको ले लेना है 1 गिलास और इस गिलास के अंदर इसको सर्व करना है। ये देखिए बिल्कुल ठंडा ठंडा हमारा पान मिल्क शेक पीने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इसको गार्निशिंग कर दीजिए थोड़े से कटे हुए पिस्ते के साथ। ये देखिए मैंने इस पे डाल दिया थोड़ा सा पिस्ता और थोड़ी लाल वाली चेरी, ये टोटल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं पसंद करते तो स्किप कर दीजिएगा। इस तरह से मैंने इसके ऊपर डाल दिया थोड़ी सी चेरी। होप यू आपको मेरा बनाया हुआ पान शेक पसंद आया होगा। जल्दी हम मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। बाय।